हेलो एवरीवन, माय नेम इज ग्रू टेंगुरी और आज की वीडियो हर एक उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो कि सीयूटी का एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि आज की वीडियो में दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भाई ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो अपने आप एग्जाम सेंटर में कैरी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले एकदम शॉर्ट में वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई एग्जाम के समय कौन सी टिप्स हमें फॉलो करना है, तो मैं आपको बहुत सारी टिप्स बताने वाला हूँ जिनको आप एग्जाम देते समय अगर फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो देखने के बाद इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस समय बच्चे बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं और ये वीडियो उनकी जरूर से मदद करेगी। तो सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन से आइटम्स है जो हम कैरी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है एडमिट कार्ड। इसकी फोटोकॉपी निकाल लीजिएगा A4 साइज पेपर में। आपको पूरे एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी निकालना है। ये 3 पेज का आपका है, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि पहला या आखिरी पेज लेकर चले गए। पूरा एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, इसकी फोटोकॉपी होना चाहिए। उसमें जो सेल्फ डिक्लेरेशन दिया हुआ है वो आपको फिल करना है। सिग्नेचर आप सेंटर में कर रहे होंगे, बाकी पूरी चीजें आप इसमें फिल करेंगे और इसको लेकर जाएंगे। एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा मत। NTA की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मैं आपके लिए मेंशन कर दूंगा, है ना। तो एडमिट कार्ड आपका हो गया। इसके बाद भाई आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का बोला गया, लेकिन मैं आपको दो बोलूंगा। दो पासपोर्ट साइज फोटो अपनी लेकर जाइए, साफ साफ PDF में दिया हुआ है, सेम एज अपलोडेड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो सेम वही वाली पासपोर्ट साइज फोटो आप लेकर जाएंगे। तो एडमिट कार्ड हो गया आपका, फोटोग्राफ हो गया पासपोर्ट साइज का। इसके बाद आता है आपका वैलिड फोटो ID प्रूफ, वो भी एकदम ओरिजिनल आपको लेकर जाना है। आपका पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर ID हो गया, पासपोर्ट, आधार कार्ड हो गया। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी 18+ के नहीं है, तो आपके लिए आधार कार्ड हो गया, तो ओरिजिनल लेकर जाइएगा। ऐसा नहीं है कि हम उसका जो डुप्लीकेट फोटोकॉपी वगैरह कराते हैं वो हम लेकर चलेगा, ऐसा मत करिएगा, ओरिजिनल लेकर जाइएगा, है ना। आधार कार्ड भी ले जा रहे हैं, उसमें आपका फोटोग्राफ रहता है तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो कोई भी फोटो ID प्रूफ आप अपने साथ लेकर जाएंगे ओरिजिनल। इसके बाद दो ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेकर जाइएगा, जेल मत ले जाइएगा। अब देखिए ये आपको ना सेंटर में बता दिया जाएगा वहां पर कि आपको पेन अंदर ले जाना अलाउड है कि नहीं है, लेकिन अपने साइड से आप जरूर लेकर जाइएगा। दो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बॉल पॉइंट पेन, ट्रांसपेरेंट इसलिए नहीं तो भाई कई जन चीटिंग वगैरह कर लेते हैं, तो उन चीजों से बचने के लिए सब चीजें ट्रांसपेरेंट रखी जाती है, तो आपका पेन में पूरा क्लियर सब दिखना चाहिए ना। उसके बाद ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अगर आप ले जाना चाहते हैं तो ये भी ट्रांसपेरेंट आपको लेकर जाना है। कोई भी बात ऐसी मत ले जाइएगा जिसमें अंदर का पानी वगैरह नहीं दिख रहा, ट्रांसपेरेंट वो पूरा होना चाहिए। उसके बाद आपका हैंड सैनिटाइजर हो गया, वाटर बॉटल सैनिटाइजर ये आपकी चॉइस है, बाकी ऊपर वाली चीजें तो आपको लेकर ही जाना है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, वहां पर मैं आपको इस PDF का लिंक भी डाल दूंगा जो ऑफिशियल PDF आया है, तो वीडियो के बाद अगर आप चाहें तो उसको रीड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन भी जरूर चेक करिएगा जैसे ये वीडियो अपलोड होगा। उसके बाद अगर बच्चों के कोई बहुत सारे डाउट्स आते हैं तो मैं क्या करूंगा, एक कमेंट अपना पिंग कर दूंगा जिसमें जितने भी आप डाउट्स पूछेंगे उनका आंसर मैं करता जाऊंगा। तो पिंड कमेंट भी जरूर चेक करिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा पूरा आइटम्स रिलेटेड आता है जो आप कैरी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम टिप्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन स्टूडेंट्स के पेपर में अभी थोड़ा टाइम है उनको इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको डोमेन स्पेसिफिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। आप ओसवाल गुरुकुल की CUT की बुक परचेज कर सकते हैं। पूरे ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी मेजर सब्जेक्ट हैं उनकी क्वेश्चन बैंक आई हुई है। जैसे यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस है तो 600+ MCQs आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप खुद सोचिए जब आप इतने सारे MCQs कर रहे होंगे तो कितने अच्छे से आपका रिवीजन हो रहा होगा। पूरा NCERT बेस्ड है तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल आप इसको परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। हमने खुद इसको रिव्यू किया है, बहुत ही शानदार बुक है, आप बिल्कुल इसको परचेज कर सकते हैं। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, आप वो चेक कर सकते हैं। अब सीधे अब हम बात कर लेते हैं टिप्स की। तो कुछ टिप्स लेकर मैं आपके लिए हाजिर हो गया हूं, इनको एग्जाम वाले दिन बिल्कुल फॉलो करिएगा। सबसे पहला आता है कंप्लीट नॉलेज। एग्जाम देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जिस भी चीज का आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है। अगर यही चीजें आपको नहीं पता है तो वहां पर आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा। जैसे 50 क्वेश्चन है उसमें से 40 अटेम्प्ट करना है, और ये बात आपको पता है तो आप अच्छे से चीजें कर सकते हैं। अगर ये पता ही नहीं है तो आप वहां बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बिल्कुल अच्छे से सब चीज पढ़ के जाइएगा, आपको सब चीजें पता होना चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, आप सबको पता है भाई CUT में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसे घबराना नहीं है, लेकिन बस इतना याद रखिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है तो उसको मत करिए। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ा रहे हैं हम सारे क्वेश्चन करते जा रहे हैं, जी नहीं, जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो करिए, जो नहीं बन रहे हैं उनको छोड़ दीजिए।
उसमें आप ऊपर टिक लगा सकते हैं जो क्वेश्चन आप बाद में रिव्यू करना चाहते हैं। तो जब आप बाद में उसको रिव्यू करेंगे, तो जब आप फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, अगर आखिरी में टाइम बचता है, तो फिर अगर आपको लगता है कि हाँ भाई अब मुझे आंसर याद आ रहा है तो आंसर लिख दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई इस क्वेश्चन में जितने ऑप्शन दिए मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सही ऑप्शन है, इसका आंसर क्या है, तो वो क्वेश्चन स्किप कर दीजिए। नेगेटिव मार्किंग है तो मन से हम तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट, समय समय पर देखते रहिए भाई आप टाइम अच्छे से मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन में इतना टाइम दे देंगे कि अगर वहां दिक्कत हो रही होगी तो टाइम देते जाएंगे, आखिरी में टाइम ही नहीं बचता है। तो बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करिए, जितने भी क्वेश्चन है उनके हिसाब से टाइम डिवाइड करिए और उसी के हिसाब से काम करिए कि भाई मुझे एक एमसीक्यू में इतना ही टाइम देना है, इससे ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट ज्यादातर क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि हम पैनिक करने लगते हैं। तो हमारा पैनिक बिल्कुल मत करिए। कई बार ऐसा होता है यार कि आप देने जाएंगे, आपसे पहले ही क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, दूसरा नहीं बन रहा होगा, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ क्या करेंगे, डर जाएंगे कि यार मुझसे तो 2 ही क्वेश्चन नहीं बन रहे। लेकिन क्या हो, आपसे बाकी सारे बन रहे और आखिरी में वो 2 क्वेश्चन का आंसर भी आपसे बन जाए, तो छोटे छोटे उसे घबराना नहीं है। अगर स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगता है कि अरे 1-2 क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा, तो उसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। पेपर करते जाइए, जैसे जैसे आप पेपर करेंगे आपका दिमाग खुलता जाएगा, सब आपसे बनने लगेगा। जो क्वेश्चन पहले नहीं बन रहे थे, बहुत चांसेस है उनका आंसर भी आपको एकदम से दिमाग में याद आ जाएगा, तो घबराना नहीं। इसके बाद सिंपल लॉजिक याद रखिए। एमसीक्यू का भाई एक सिंपल लॉजिक होता है, या तो आपसे क्वेश्चन बन रहा होता है या नहीं बन रहा होता है। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, जितने भी ऑप्शन दिए रहते हैं आप जैसे ही उनको पढ़ते हैं आपको तुरंत क्लियर हो जाता है कि भाई इसका आंसर मुझसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपको बन रहा है आंसर लिख दीजिए, नहीं बन रहा है छोड़ दीजिए। वहां पर बैठे रहने से आपके दिमाग में आंसर नहीं आ जाएगा कि यार ये एमसीक्यू मैंने पढ़ा भी नहीं है लेकिन फिर भी बैठे हुए हैं कि कहीं से दिमाग में आंसर जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे आप बोलेंगे अरे यार ये क्वेश्चन मैंने कुछ समय पहले पढ़ा था लेकिन अब मुझे बिल्कुल इसका आंसर याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे समय क्या करना है, यहाँ पर भी एक लॉजिक यूज कीजिए भाई, हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज करेंगे। इसका मतलब है जितने भी ऑप्शन होते हैं उसमें से ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाएंगे कि ये वाला ऑप्शन आंसर क्यों नहीं हो सकता। ऐसे कर करके जब आप ऑप्शन हटाएंगे तो आखिरी में एक आपके पास आंसर बचेगा। तो ये टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये टेक्निक आप यूज कर रहे हैं उसके बाद भी आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा है, तो याद रखिए नेगेटिव मार्किंग है, हम तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। इसके बाद अगली एक और इम्पोर्टेंट टिप आती है, रीड केयरफुली। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से 2 बार पढ़िएगा। कई बार जब हम घबरा रहे होते हैं ना, ऑब्वियस बात है यार पेपर देने जाते हैं, थोड़ा बहुत डर लग रहा होता है तो हम गलत पढ़ लेते हैं। पता चले वहां पर नॉट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, नॉट को हमने पढ़ा ही नहीं, तो हम बिना नॉट वाला आंसर देख रहे, तो आंसर तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, आराम से पढ़िए। क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ लिया है तभी आप अच्छे से उसका आंसर देख पाएंगे। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद भाई डिसिप्लिन, हर चीज में आप डिसिप्लिन लेकर जाइए। पढ़ने बैठना है पूरी मेहनत के साथ पढ़ने बैठिए। एग्जाम सेंटर जाना है तो 5 मिनट पहले नहीं, 1/2 घंटे पहले सेंटर पहुंचिए। बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल आलसी कर रहे हैं। अच्छे से जितने भी रूल्स गाइडलाइंस वगैरह दी हुई हैं उनको पढ़िए। जो भी अब आप काम करेंगे पूरे डिसिप्लिन के साथ करेंगे। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी डेली लाइफ में डेली रूटीन में भी डिसिप्लिन लेकर आइए। उसके बाद आखिरी पॉइंट, एक्सेप्ट द रियलिटी। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कल CUT का पेपर है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है कि हमारा पेपर सबसे पहले रख दिया गया, बाकी लोगों को तो इतना गैप मिल गया है। तो देखिए क्या ये रियलिटी नहीं है, हम सबको पता है यही रियलिटी है। क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं, हम सबको पता है नहीं कर सकते। जब रियलिटी आपके सामने है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर बेस्ट चीज हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब जो हो गया सो हो गया, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट करिए और अपने अंदर विश्वास रखिए कि भाई मैंने अपना बेस्ट मेहनत करी हुई और पेपर में भी अपना बेस्ट देकर आऊंगी या देकर आऊंगा। इतना अगर आपको पता है तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप विनर बनना चाहते हैं, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो उसका पहला एक्सेप्ट ही रहता है कि जो भी रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना, ये चीज याद रखिए। इसके बाद आप सभी को ऑल द बेस्ट। कोई भी आपका डाउट आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, वहां पर मैं आपके लिए PDF का लिंक डाल रहा हूँ, उस वाले ग्रुप वाली बुक का लिंक डाल रहा हूँ, और जो चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगती है उनका लिंक भी आपको वहां देखने को मिल जाएगा। एंड स्क्रीन में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रहा हूँ, आगे जिन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।